इंप्रेशन रखना है भाई कि हम सीनियर्स थे तुम्हारे। वे सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार हो गई हैं। आओ हिमांशी, लुक दिखा लुक। ओ भाई फोटो वोटो तो खिंचा लिया, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। अरे मैं तो स्वेटर पहन के आया हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीफिट ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों सुबह सुबह हम जा रहे हैं अपने बार्बर के पास, क्योंकि भाई आज है हमारी फेयरवेल पार्टी। भाई लास्ट पार्टी में मैंने क्लेम किया था कि ये मेरी कॉलेज की लास्ट पार्टी होने वाली है, तो वो गलत सीन हो गया थोड़ा, क्योंकि मेरे को लगा था कि वो लास्ट पार्टी है, पर नहीं, हमारे कॉलेज वालों ने हमको दो दिन पहले सरप्राइज दिया है भाई कि तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है, जरूर आना है। और फेयरवेल पार्टी हमारी पुर्गेट्री 777 से कुछ करके कोई क्लब है इसी स्कीम में, वहाँ पे हमारी पार्टी है। तो भाई मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था हमारे लिए कि भाई कि भाई पार्टी, फेयरवेल पार्टी होनी है, तो बहुत अच्छा सुन के लगा। पर यार थीम जो थी ना वो थी मर्दी ग्रास भाई, वो मैं हो सका तो मैं इसमें एक स्क्रीन शॉट डाल दूँगा मर्दी ग्रास थीम का। तो मतलब ऐसा था कि आज ही फ्रेशर्स जो बच्चे आए हैं उनकी फ्रेशर पार्टी है और हमारी फेयरवेल पार्टी है, मतलब दोनों चीज़ एक साथ है। तो फ्रेशर्स की थीम है कैसिनो रॉयल, जो कि मेरे को बहुत अच्छी थीम लगी थी। पर यार मतलब कॉलेज वालों ने तो दो दिन पहले सरप्राइज़ दिया था, पर अभी भी जूनियर्स काफ़ी दोस्त है, तो उन्होंने पहले हफ्ते भर पहले ही बता दिया था मेरे को भैया पार्टी वार्टी होने वाली है ऐसा कुछ, तो हमको लग ही रहा था कहीं ना कहीं कि हाँ मतलब सीन है, हमारा भी हो सकता है, मतलब 50-50 था चांसेस कि हो सकता है नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे मैंने उनसे थीम पूछी थी कैसिनो, उस टाइम पे उनकी थीम थी कैसिनो, तो मेरे को लगा अगर हमारी होती तो हमारी भी कैसिनो थीम होगी। तो भाई वो थीम बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, मेरे टाइप के क्लोथ्स जैसे मैं पहनता हूँ, ओल्ड मनी या जैसा मतलब काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड गोल्ड ब्लैक ऐसे मतलब जैसे मैं पहनता हूँ, तो वैसी थीम थी। पर एंड टाइम पे पता लगा हमको कि हमारी थीम है मर्दी ग्रास, और भाई इतनी वाहियात थीम लगी मेरे को, वो इतनी वाहियात, वो मैं मतलब ऐसे कपड़े हैं उसमें कि भाई जैसे मैं अकेला कमरे में भी नहीं पहन के बैठ सकता भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतने वाहियात कपड़े। मतलब वो नहीं होते क्या बाहर ब्राजील वजह में कार्निवल होते हैं, वो हॉलीवुड से बन के आते हैं, मैं आपको फोटो डालूंगा तब देखना आप। और ऐसी पार्टी फेयरवेल, मतलब ऐसी थीम फेयरवेल में, मतलब हम निकल रहे हैं कॉलेज से, चलो फ्रेशर के साथ तो सही समझ में आता कि भाई उनके पास तो 3 साल है, भाई हमारे तो आखिरी पार्टी है, आखिरी पार्टी में हंसा के थोड़ी जाना है, हमको इंप्रेशन रखना है भाई कि हम सीनियर्स थे तुम्हारे। तो भाई उसी को बरकरार रखते हुए मैं थीम फॉलो नहीं कर रहा, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा भाई थीम, बाकी कर रहे होंगे मेरे को नहीं पता, मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा भाई। अपने एक आउटफिट डिसाइड कर रखा था, एक नहीं सॉरी 3 आउटफिट डिसाइड कर रखे थे, तो उसमें से जो एक था वो काफ़ी हैवी था, काफ़ी हैवी, मतलब ये देख लो वो टोटल सर्दियों में काम में आता है, मतलब जो कड़ाके की सर्दी होती है ना उसमें काम में आता है, वो मैं पहनने वाला था भाई। वो जो आउटफिट लग रहा है ना, इतना सेक्सी आउटफिट है वो, इतना सेक्सी आउटफिट है, लेकिन कल रात को मैंने उसको 15-20 मिनट के लिए पहना भाई, मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है उसके अंदर भाई साहब, क्योंकि वो जैकेट इतनी मोटी है भाई, लिटरली लेजेंड मोटी है भाई वो, और फर वाली, मतलब लुक तो क्रेजी आ रहा है। मेरे कन्फ्यूजन ये है कि मैं उसको पहनूंगा तो गर्मी लगेगी, इन दिस बस इसमें इसी कन्फ्यूजन में हूँ। और एक और आउटफिट है, वो भी अच्छा आउटफिट है, वो प्रॉपर ओल्ड मैन टाइप लगता है मेरे को, वो मैं पहन सकता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, घर जाके डिसाइड करते हैं। तो अभी भाई मैं नहा धो के आया हूँ बार बार के पास, क्योंकि मेरे को सेट ही कराना है बाल, तो मैं यहीं से मतलब पूरा एकदम, जैसे मैं ऑलमोस्ट 11 बजे आया हूँ, तो मतलब मेरे को 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पे, तो मैं पूरा अपने बाल वाल सेट जो भी है, अपने ड्रायर वायर जो भी, मतलब पूरा सेटिंग करा के लेके जाऊँगा, घर जाके फिर मेरे को रेडी होना है, ठीक है। तो और एक और काम था अपन को, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से निकल गया कि मेरे दोनों काम कंप्लीट हो जाए, पार्टी के चक्कर में ये नहीं कि दोनों जो एक दो काम हो रहे हैं, काम कम्प्लीट करके फिर चलेंगे पार्टी, आराम से इंजॉय करेंगे इंजॉय। तो चलते हैं गाइस साहिद भाई के पास और मिलाते हैं आपसे, चलो। Oh, 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 oh
साहिद भाई अपना खर्चा बिठाते हुए। मुर्गिया लाल करोगे आज? चलो बहुत बहुत क्या टाइम बाद एंटर आया हूँ मैं। आज करते हैं इनके फेस पे सीरम और अगर ग्लो नहीं आया इससे तो और कूलो को लगा दो समझ में वाली हाँ जी गाइस, तो हो चुके हैं हम पार्टी के लिए रेडी, बस डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। भाई वहाँ पे मतलब मेरा फेस पैक वेस पैक लग रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो बस अभी रेडी होके फटाफट क्योंकि टाइम हो चुका है और मतलब एक बजे का टाइम था, हम मतलब 1:31 हो चुके हैं रास्ते में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और थोड़ा लेट जाता था क्योंकि एक बजे तो कौन ही आता है, एक बजे पार्टी चालू होती है, तो हम सही टाइम पर पहुँच रहे एकदम। और तुम्हारा भाई ऐसा लग रहा है भाई, अपन ने तीन चेने पहनी है भाई बढ़िया, और इस हाथ में ये दो रिंग पहनी है और इस हाथ में ये दो रिंग पहनी है भाई, फुल स्टाइलिश लुक किया है, डिजाइनर लुक किया है, बिल्कुल फोन आ रहा है भाई। तो भाई हमारे मनन लालवानी जी का फोन था, मेरे बेटी का, मेरा खास भाई है वो, खास जब भी कॉलेज में एक सही ढंग की दोस्ती हुई है वो मनन है, वो भी आ रहा है, तो बढ़िया पार्टी में इंजॉय करेंगे, तो बढ़िया पार्टी में आज डांस वांस करना है बढ़िया। यहीं स्टर्न लेना है कि मैं देख लेता हूँ यार, यहाँ से टर्न लेना आगे से टर्न। तो भाई पहुँचते हैं और आपको बताते हैं आगे की चीज़ें। आ गया हमारा खास डब्बी। हेलो गाइस। तो भाई यही है इकलौता जो कॉलेज में साथी है मेरा, आगे और तो एक लक्की और है ठीक है, पर यही है भाई जो स्टाइलिंग में साथ दे देता है, नहीं तो मैं भाई तेरी कसम कॉन्फिडेंस आता ना, तुम एक दो से आता है कॉन्फिडेंस की पहन लू कुछ ना कुछ, नहीं तो बहन बता मेरा भाई वो अभी वहां गया था बर्लिन, तो वहां पे क्या ऐसे कपड़े पहने थे, मैंने उसको इतना तगड़ा लुक बताया था ना, उसने वो लुक पहने नहीं, सिर्फ एक चेन पहनी, उसकी एंट्री नहीं हुई। फोन आ, सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार हो गई हैं। हाँ भाई मानसी, लुक दिखा लुक। ओ सही बात है, ये बात ये ओवर बोल रहा है भाई, तुम कहाँ से, यहाँ से होगी क्या एंट्री, कहाँ से होगी एंट्री? तो गाइस यहाँ फोटो शूट हो रहा है, फोटो शूट मतलब हर बार का ये आते ही फोटो शूट करा लेना चाहिए भाई, क्योंकि बार में पसीने वसीने हो जाते हैं, तो बाद में फोटो ऐसी नहीं आती भाई, तो फेशियल वेशियल करा के आया हूँ ना, तो पसीने में थोड़ा खराब हो जाएगा भाई, ये प्रेशर से ये जानते नहीं हमको, अब जान जाएंगे भाई। फोटो वोटो तो खिंचा लिया, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। अरे मैं तो ये स्वेटर पहन के आया हूँ, स्वेटर तो मैंने सेकंड पहनी है भाई, ये देख इतनी मोटी है। फैशन ओवर कंफर्ट, अरे प्रेशर फैशन तो आए हैं, प्रेशर तो बहुत सारे हैं। आप लोग कहाँ हैं थर्ड ईयर वाले? आ रहे हैं, आएंगे, वो लेट आएंगे, लेट आते पापाराजी मिलते उनको।
है।